रविवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय गेट के समक्ष एक रोडवेज बस की चपेट में आने से एक एनसीसी छात्र की मौके पर मौत हो गई, जबकि इस घटना में दो एनसीसी छात्र गंभीर रूप से घायल हैं। दोनों घायल छात्रों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। यह घटना रविवार की सुबह लगभग 8 बजे की है। तीनों एनसीसी छात्र गोरखपुर विश्वविद्यालय में एनसीसी कैंप से एक ही बाइक पर सवार होकर लौट रहे थे, तभी विश्वविद्यालय के गेट पर तीनों एक रोडवेज बस की चपेट में आ गए, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो एनसीसी छात्रों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। मृतक छात्र का नाम अनिल शर्मा है, जो पिपराइच का रहने वाला है। वहीं घायलों में एक का नाम संगम यादव और दूसरे का नाम विनय यादव है। छात्र की मौत की सूचना पर विश्वविद्यालय के लगभग 100 से ज्यादा छात्र और छात्र नेताओं ने विश्वविद्यालय गेट पर सड़क जाम कर दिया और मृतक छात्र के परिजन के मुआवजे सहित कई अन्य मांग करने लगे। इस दौरान छात्रों ने जमकर नारेबाजियां भी की। वहीं छात्रों के हंगामे की सूचना पर सिटी मजिस्ट्रेट विवेक कुमार श्रीवास्तव, एडीएम सिटी रजनीश चंद्र, एसपी सिटी विनय कुमार और एसपी साउथ ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी मौके पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों को समझा बुझाकर मामले को शांत करने का प्रयास करने लगे, लेकिन छात्र अपनी मांगों पर डटे रहे। इस दौरान छात्रों व अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। छात्रों का कहना था कि जब तक जिलाधिकारी मौके पर आकर उनकी मांगों पर पहल नहीं करेंगे, तब तक वह आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। प्रदर्शनकारी छात्र कुछ देर बाद विश्वविद्यालय गेट की सड़क को छोड़कर छात्र संघ चौराहे को जाम कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन और एसएसपी शलभ माथुर प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे, जहां जिलाधिकारी ने छात्रों को उनकी मांगों पर जल्द ही पहल करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद छात्रों ने आंदोलन को समाप्त कर दिया। इस संबंध में वाहन चालक ब्रजेश कुमार सिंह पुत्र अखिलेश कुमार सिंह निवासी परसनिया थाना महनाजपुर जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध थाना कैंट पर मुकदमा पंजीकृत कर वाहन को पुलिस कब्जे में लेते हुए उक्त चालक को गिरफ्तार कर लिया है। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन ने कहा कि घटना काफी दुखद है। मृतक छात्र के परिजन को तत्काल सहायता के रूप में 50,000 नकदी राशि दिया जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 2 लाख और रोडवेज की तरफ से 5 लाख रुपए दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वहीं घायलों का इलाज प्रशासन की खर्च पर होगा। उन्होंने कहा तुम्हारे पक्ष में खड़े और हर बात मेरी बात है, तुम्हारा हम हक मानने मेरा भी काम है। ये बताइए सर, डीएम साहब फिर वही बात शुरू कर, डीएम और राज्यपाल आप नहीं। हेलो, यहाँ से लेकर के उच्च स्तर तक पहुँचाया गया है। आपकी सारी मांगों के साथ पुलिस की और प्रशासन की पूरी संवेदना है। उस संवेदना के तहत आप लोगों ने जो ज्ञापन दिया है, वो एडीएम साहब हमारे जो बहुत ही सीनियर अफसर है, जो आप लोग बार बार बोलते हैं ना वो डीएम बुलाओ, एसएसपी बुलाओ, हम लोग कोई छोटे मोटे अफसर नहीं है, बस आपके साथ भाईचारा इसलिए खड़े हैं। हमको हल्का छोटा अफसर मत समझो, और आपके भाई हैं और बहुत बड़े अफसर हैं हम भी। हम दावे से कह सकते हैं कि आपके साथ खड़े इसलिए आप मुझे हल्के में ले रहे हो, अन्यथा कोई अपराधी और क्रिमिनल हम लोग को देखने के बाद झुक जाता है, लेकिन आप मेरे भाई हो तो मैं आपको नमस्ते करने लगता हूँ, आप मुझे नमस्ते करने, यही इसलिए आप मुझे हल्के में ले रहे हो। ये एडीएम साहब बहुत सीनियर अफसर हैं, ये हमारे एसपी सिटी साहब बहुत सीनियर अफसर हैं, हम लोग की 25-27 की सेवा है, आप मुझे हल्के पहली बात ना लो। ये मुझे दुख होता है बार बार आप जो सारी भीड़ बोलती है उनको बुला, हमें क्या कमी है जो माफ की बात नहीं मानते। सड़क पे तो मैं खड़ा हूँ, कल को फिर मेरा ही कलर पकड़ोगे, किसी का कलर पकड़ने आप कहीं नहीं जाओगे। सबसे अधिक उपलब्ध अफसर मैं हूँ आपके लिए, इस चौराहे पे इस विश्वविद्यालय के गेट पे सबसे पहले मैं मिलूंगा, तब आप वहां जा पाओगे, तो वो भी हम जाने देंगे तब, ये भी नोट कर लेना। सारे सीनियर अफसर खड़े हैं, बहुत सीनियर है, कोई 25 साल से नीचे की नौकरी वाला नहीं खड़ा है। आपकी सारी बातों का संवेदना के साथ एडीएम साहब ने ग्रहण किया है, और आपको एडीएम साहब पूरी बात बताएंगे, तब आपकी बात मैं अपनी बताऊंगा। एडीएम साहब बताइए, धमका रहे हैं यार, शांत रहो यार भाई,
भाई मोबाइल सर की बात बोल रहे ज्ञापन के संबंध में मेरे द्वारा डीएम साहब को बता दिया गया है। डीएम साहब से मेरी बात भी हो गई है। डीएम साहब ने कहा है कि ठीक है हम उस पर यथोचित कार्रवाई कराएंगे। ठीक है, ऐसा मत समझिए कि हम यहाँ पर खड़े तो आप लोगों की बात हम ऊपर नहीं पहुँचा रहे हैं। आपकी बात हमने डीएम साहब को ही पहुँचा दी है और यहाँ हम भी आपके बीच में खड़े होकर के आश्वासन दे रहे हैं कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन क्योंकि ये दुख का माहौल है, हमारी भी संवेदना आपके साथ है, तो अब इस वक्त अपने आप को थोड़ा सा शांत करने की जरूरत है और हम निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई कराएंगे। डीएम साहब से बात हो गई है और आप कहेंगे तो हम ऊपर भी उच्च स्तर पर भी बात करके आपके लिए जो भी मदद हो सकती है वो कराएंगे। ये हमारी तरफ से तो मैं अश्योर कर रहा हूँ, बिल्कुल अश्योर कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप लोगों को भी इस वक्त इस दुख की घड़ी में एक अच्छा बर्ताव करना चाहिए। वो आप लोग भी इसको समझने की कोशिश करें, ये मेरा आपसे आग्रह है, अनुरोध। ठीक है, लिखित लिखित पुलिस से दोस्ती इसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके तमाम साथियों ने ध्यान दिया लोगों इसकी वीडियोग्राफी बता रहा है। आश्वासन की तमाम मीडिया कर्मियों ने वीडियोग्राफी की है। अच्छा, इससे बड़ा प्रमाण क्या है जब आपके मोबाइल में हमारी बात बंद हो गई है? बड़ा प्रमाण तो आप खुद हो कि मैं हमारे एडीएम साहब ने इतने लोगों के बीच में ये बात कही है। अब मैं बोल रहा हूँ, सुनो सब लोग सुनिए सभी लोग, सुनो सुनो, कुल मिला जुला करके आपको सिर्फ सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। आज के समय में वीडियो रिकॉर्डिंग कर लो, होंगे हम मर्डर नहीं कर रहे हैं। अगर इसी तरीके से गुटबाजी करनी है सब लोगों को तो अलग अलग हो जाइए, और अगर सही में संघर्ष करना है हमारे भाई के साथ पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारे मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो,
जी सवेरे का घटना है, करीबन तकरीबन 7:30 बजे का है। यहाँ NCC के कैंप चल रही थी यूनिवर्सिटी में, दीनदयाल यूनिवर्सिटी में। उस पर 3 छात्र NCC कैंप खत्म होते हुए तो वापस जा रहे थे, उस पर जो UPSRTC बस से एक्सीडेंट होकर के स्पॉट में एक लड़का मर गया है, अनिल शर्मा उनका नाम है, पिपरेज का है। उसके अलावा 2 लोग घायल हुए हैं, एक संगम यादव है और विनय यादव, 2 लोग हैं। 2 लोग अभी तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती है, उन लोगों को तबीयत ठीक है, स्टेबल है। जो ये अनिल शर्मा किसका मृतक हुआ है, 17 साल का लड़का है ये, इनका पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा गया है। अभी तो छात्र संघ वाले का मांग यही है, खासतौर पे उनका परिवार का मुआवजा देने के लिए, और बाकी जो यहाँ का स्पीड ब्रेकर और डाइवर्शन के बात कह रहे थे उसी के सबसे हम लोग तो बात किए। अभी तो इनका 50,000 रुपये अंतिम संस्कार के लिए अभी दे रहे हैं, 2 लाख रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी से घोषणा से मिलेगा उनका, और 5 लाख रुपया UPSRTC बस के माध्यम से मिलेगा। उसके अलावा जो उनका मोटर एक्सीडेंट क्लेम केस के अंदर 50-60 लाख रुपया मिलेगा, वो कोर्ट के लिए जो जाना पड़ेगा हम उसका सहयोग करेंगे। उसके अलावा आर्थिक रूप से जो भी परिवार का सहयोग चाहिए हम लोग तो देने के लिए तैयार हैं, हम लोग करा देंगे उसका। बाकी 2 बच्चे हैं जो घायल हुए, उनका खर्चा पूरा हम जिला प्रशासन से उठाएंगे, जो कितना खर्चा सही कराने के लिए। बाकी उन लोगों को मांग है यहाँ स्पीड ब्रेकर के लिए, मैं PWD विभाग का निर्देश दे दिया, आजकल स्पीड ब्रेकर बन जाएगा यहाँ का, और बाकी जगह हम लोग सतर्क रह रहे हैं ताकि तो दोबारा ये घटना रिपीट ना हो जाए।